कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। ये नाम मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा ये जानना चाहता है। तो किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था, रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे? क्या आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। राहुल जी, पीएम के क्यों एक्शन किया? आपके सवालों का जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। क्या फैक्ट है? प्राइम मिनिस्टर वो शेल शॉक, he was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या? सवाल पूछे थे आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है सर। राहुल जी, वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला, तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है।